मंत्री सुरेश प्रभु आज संसद में रेल बजट पेश करेंगे। जनता चाहती है कि रेल मंत्री नई रेलगाड़ी और यात्री सुविधाओं में सुधार के उपायों की घोषणा करें। पिछले वर्ष रेल और माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। एक तरफ यात्रियों की उम्मीदों का पूरा करना है तो दूसरी तरफ रेलवे की वित्तीय स्थिति के साथ संतुलन साधना है। रेल मंत्री के सामने दुविधा तो होगी जरूर कि यात्री किराया या माल भाड़ा बढ़ाया जाए या नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ रेलवे की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव है तो वहीं दूसरी तरफ डीजल के दाम घट रहे हैं। पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है गुरुवार दोपहर 12 बजे का, जब रेल मंत्री सुरेश प्रभु संसद में साल 2016-17 का रेल बजट देश के सामने रखेंगे। पूरी दुनिया में अपने विशाल नेटवर्क की वजह से जानी जाने वाली भारतीय रेल को आधुनिकता और मुनाफे की पटरी पर दौड़ाना प्रभु के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने जा रहा है। बुधवार को देर शाम रेल मंत्री ने रेल भवन में अपने सहयोगी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ रेल बजट को अंतिम रूप दिया। सुरेश प्रभु दूसरी बार रेल बजट पेश करने जा रहे हैं। अपने पहले बजट में उन्होंने नई ट्रेन का ऐलान न करके और रेलवेज में बदलाव के कई नए कदम उठाकर काफी वाहवाही लूटी, लेकिन अब उनके सामने बड़ी चुनौती रेलवे की सुधारों को पटरी पर तेज गति से दौड़ाने की है। इस बार के बजट में मुख्य रूप से यात्री सुविधाएं, रेलवे विद्युतीकरण और सुरक्षा प्राथमिकता में शामिल है। सुरेश प्रभु लगातार भारतीय रेलवे को जल्द से जल्द वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इसी दावे को पूरा करने के लिए भी वो बजट में कुछ कदमों का ऐलान करेंगे। लोगों को रेल मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। अगर आप रेट बढ़ा रहे हो तो उसके हिसाब से फैसिलिटी भी देनी चाहिए। यदि हम किराया ज्यादा दे रहे हैं तो सुविधा बढ़नी चाहिए, पर जो लोग दे सकते, देखिए स्लीपर क्लास के लोग जो अभी टिकट है वही अफोर्ड कर रहे हैं बराबर, अपर क्लास के बढ़ रहे तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई अच्छी होना चाहिए ट्रेनों में, गंदगी दुनिया भर की रहती है, कहीं बैठने की जगह नहीं होती, कुछ नहीं होता सर। इतना तो चाहिए उनको, करना चाहिए नए बजट में, कोई नई ट्रेनें लंबी दूरी की चला दें। रेल मंत्री की चुनौतियों की बात करें तो वैश्विक मंदी से रेलवे के माल ढुलाई की आमदनी को इस साल बड़ा झटका और कोयले, स्टील, सीमेंट और खाद से कमाई घटना एक बड़ा संकट है। सातवें वेतन आयोग से रेलवे पर करीब 30,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। उम्मीद है इसके लिए रेल मंत्री इस साल कुछ आंशिक व्यवस्था कर सकते हैं। बिना यात्रियों और माल पर किराए का बोझ बढ़ाए निवेश के दूसरे रास्ते खोजना भी उनके लिए बड़ा सवाल है। रोजाना करीब 3 करोड़ यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा, जो हमेशा से रेल की सबसे बड़ी चुनौती रही है, इस पर भी रेल मंत्री माथापच्ची कर रहे हैं। यात्री सुविधाएं, खानपान, सफाई की व्यवस्था और स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी कदम उठाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ये तो रेल मंत्री की आने वाली चुनौतियां हैं, लेकिन अगर इस साल की बात करें तो नए रेल डिब्बों में बायो टॉयलेट्स लगने शुरू हो चुके हैं। पटरियों को चौड़ा करने, दोहरीकरण और क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने अभी तक के सबसे बड़े ब्रॉडगेज और विद्युतीकरण की योजना की शुरुआत की है। साल 2015 में आजादी के बाद रेल बुनियादी ढांचे पर सबसे बड़ा फोकस दिखा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने पर काम शुरू हो चुका है। मेक इन इंडिया के तहत मरहुरा और मधेपुरा में डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का काम भी शुरू हो गया है। काम काफी हुए हैं, लेकिन चुनौतियां भी बाकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि वो रेलवे को भारत का ग्रोथ इंजन बनाए। जाहिर है रेल मंत्री के सामने इसी सपने को पूरा करने की असली चुनौती है। डीडी न्यूज़।